माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेज एकेडमी में और मैं हूं आपका मेंटर शंकर अमुलानी। और आज हम बात करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12, दैट इज कंटिन्यूटी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अगर स्टूडेंट्स की बात कही जाए तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कंटिन्यूटी में। तो चलिए आज इस वीडियो को आप अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी। एक एक टॉपिक पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे कि क्या है कंटिन्यूटी। और हाँ, कंटिन्यूटी इज रिलेटेड टू द लिमिट, तो लिमिट पर मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूं और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है और उसे आई बटन में भी दिया जा रहा है। लिमिट्स को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तभी आपको कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यूटी क्या है कंटिन्यूटी। चलिए तो बात करते हैं कंटिन्यूटी की, पर उससे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि एवरी फंक्शन, हर एक फंक्शन को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एवरी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू अ ग्राफ। कोई भी फंक्शन ले हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और उस ग्राफ को देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। किस तरह से पता चल जाता है? अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ब्रेक नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट कंटिन्यूअस और अ डिसकंटिन्यूअस। तो क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन, देखते हैं डेफिनेशन। अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। समझ में आया डोमेन क्या होता है? हम डोमेन और रेंज के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि डोमेन क्या होता है। किसी भी फंक्शन का डोमेन वो वैल्यूज होती है जिनके लिए वो फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। तो जिन जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइन है अगर उन सभी पॉइंट्स पर उस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, इट मींस वो फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस होता है। चलिए तो बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। दिस इज इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12। इंटरवल वाला जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो एट अ पॉइंट ही है अपने सिलेबस में। तो हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो कोई भी फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कब कंटिन्यूस होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो और उन दोनों की जो वैल्यू हो वो उस फंक्शन की वैल्यू होगी जो x इज इक्वल टू a पर उसके इक्वल हो। क्या मतलब हुआ? अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। उन दोनों की वैल्यू जो x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी, उसके बराबर होगा, तभी हम ये कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी। चलिए समझते हैं न्यूमेरिकली। LHL, LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए और इन दोनों की वैल्यू f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए। या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, LHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। इस माइनस का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट साइड से a की तरफ अप्रोच कर रहा है और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इसका मतलब है ये राइट साइड से a की तरफ अप्रोच कर रहा है और f ऑफ a इसके इक्वल है। समझते हैं इसको, इस तरह से देखिए अगर ये मैं नंबर लाइन बनाता हूं और यहां पर x इज इक्वल टू a है तो यहां से जो लिमिट अप्रोच करेगी वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और जो यहां से अप्रोच होगा वो क्या होगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि a नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो a से छोटी है और ये जो वैल्यू है वो a से बड़ी है। मतलब ये बड़ी वैल्यू से a की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये छोटी वैल्यू से a की तरफ अप्रोच कर रहा है। x इज इक्वल टू a के नेबरहुड में ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल होती है लिमिट, तो इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा है, लिमिट कैसा है, एग्जिस्ट है। और अगर एग्जिस्ट है इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। और अगर इन दोनों की वैल्यू x इक्वल टू a पर भी फंक्शन के इक्वल आ जाती है, इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? तो किसी भी फंक्शन को
कंटिन्यूअस शो करने के लिए हमें इन तीनों को क्या दिखाना होगा, इक्वल। अगर इन तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझिए कैसे। अब देखिए सबसे पहली क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब दैट इज अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, देन वी से द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फंक्शन तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, दोनों लिमिट्स को एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर दोनों एग्जिस्ट होंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इन दिस केस अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। और इस कंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, नॉन रिमूवेबल कंटिन्यूटी कहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो नॉन रिमूवेबल कंटिन्यूटी होगी। सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, देखिए अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब ये दोनों आपस में तो इक्वल है, बट इन दोनों की वैल्यू जो है x इक्वल टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट तो है बट कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूस। क्या मतलब होगा इसका, देन फंक्शन इज एग्जिस्ट। इस कंडीशन में फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट तो करता है, उसका एग्जिस्टेंस है बट नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं होगा। समझ रहे हैं आप, इस सिचुएशन में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है बट वो एग्जिस्ट तो करता है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिमूवेबल कंटिन्यूटी। इन पर्टिकुलर केसेस में ये जो होता है ये रिमूवेबल कंटिन्यूटी है, इसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये दोनों केसेस को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटिन्यूटी है तो ये तीनों इक्वल होंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इट मीन फंक्शन डज नॉट एग्जिट, और अगर इक्वल है तो फंक्शन एग्जिट। अगर एक इक्वल नहीं है इट मीन्स दिस इज नॉट कंटिन्यूस, मतलब क्या होगा, डिसकंटिन्यूट। अब हम समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कंटिन्यूटी पर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ हमें डिस्कस करना है, मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। सेम इन द सेकंड इस तरह से क्वेश्चन आता है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, टेस्ट करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। सेम वेरीफाई द कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है इट मींस यहां पर अगर लिखा है कि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा और डिसकंटिन्यूस लिखा है तो डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन इन दोनों केसेस में क्या करना है, सिर्फ टेस्ट करना है, मतलब तीनों हमें फाइंड करना है। क्या तीनों फाइंड करना है, इन तीनों के केसेस में एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों हो जाते हैं इट मीन फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस। अगर वेरीफाई भी करना है तो भी ये तीनों करने होंगे। तो सबसे पहला तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द कंटिन्यूटी एट द फंक्शन। अब यहां प्रूफ करना है तो प्रूव दैट द कंटिन्यूटी, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द गिवन पॉइंट, और ये भी दे सकते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो वापस से करना तो यही है, अगर कंटिन्यूस होगा तो तीनों इक्वल आएंगे और अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो कोई भी एक इनमें अनइक्वल आ जाएगा, मतलब फंक्शन क्या हो गया, एट दैट पॉइंट डिसकंटिन्यूस। ठीक है,
उसके बाद ये लास्ट के जो दो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या देते हैं कि फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, ये तो ऑलरेडी इक्वल होगा, तभी तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। और फिर इसके इक्वल एफ ऑफ ए, तो इसको हम एक ही लेके चलेंगे, क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि लिमिट्स क्या दी हुई हैं, फंक्शन क्या दिया, उसके बेस पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तीसरा है फाइंड, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी कॉन्स्टेंट। कई बार क्या होता है किसी फंक्शन में कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू दे देते हैं, जैसे के दे दिया, पी दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, और हमसे क्या पूछेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट इफ द फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस। तो इस सिचुएशन में भी क्या है, अगर कंटिन्यूअस है तो हम इसको लेके चलेंगे इस कंडीशन को, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, हम सॉल्व करते हुए ए बी सी और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन कंटिन्यूटी पर पूछा नहीं जाता है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, मिसिंग नंबर्स पर भी, कांस्टेंट पर भी, और फंक्शन की वैल्यू पर भी, और डिस्कस द कंटिन्यूटी पर भी। चलिए समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, चलिए तो करते हैं एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। क्या है फंक्शन, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, और इसी फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, और हमें पता है कैसे डिस्कस करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस, और नहीं होते तो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब माइनस का क्या मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 0 ना होकर 0 से कम है। अब कितनी कम है ये तो नहीं पता, इसीलिए हमने x को क्या सपोज करके रखा है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है 0 माइनस एच, मतलब 0 से एच कम है। अब ये एच क्या है, एच इज मच 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 लेसर देन एक्स, एच जो है वो एक्स के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटा है, लेकिन एक्स धीरे धीरे कहां अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे एच भी और छोटा होता जाएगा। कितना छोटा, एक्स अगर 0 हो जाएगा तो एच भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रखे देखेंगे, अगर एक्स की जगह 0 रखा तो एच क्या हो जाएगा 0। अब LHL क्या होगा अपना, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ गया h आ गया, तो यहां पर भी x की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस h, तो 0 माइनस h एक्चुअली तो क्या होगा माइनस h होगा। अब हम ये x की जगह जो माइनस h है इसको उठा के कहां रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे इन प्लेस ऑफ x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos कितना है माइनस h, नीचे भी क्या है ये माइनस h है, क्या है ये माइनस h का होल स्क्वायर। तो हमें पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये देखिए मैंने पूरा यहां पे लगा दिया है ब्रैकेट, तो इसका ये क्या बन गया 1 माइनस cos h, cos माइनस थीटा cos थीटा ही, और नीचे माइनस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1 तो है ऑलरेडी, cos की जगह आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर h बाय 2, क्या आ जाएगा cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहां 2 थीटा की जगह अगर h है तो थीटा हो जाएगा h बाय 2, और नीचे h स्क्वायर एज इट इज। सिंपलीफाई करेंगे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 तो 1 तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 sin स्क्वायर h बाय 2 अपॉन h स्क्वायर। अब इस 2 का तो कोई काम नहीं तो इसको ले लेते हैं हम आगे, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय 2, और ये क्या था h, और इस पूरे का क्या कर दिया होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एच वाई टू था और एच। अब ये एच, अब यहां पर देखिए ये है क्या है साइन एच वाई टू अपॉन एच का होल स्क्वायर, लेकिन ऊपर साइन के एंगल में अगर एच वाई टू है तो मुझे नीचे भी एच वाई टू, तो मैंने टू से यहां डिवाइड किया तो यहां क्या करना पड़ेगा इन टू। अब अगर एच की लिमिट जीरो है तो एच वाई टू की भी क्या होगी जीरो,
तो अब क्या हुआ, 2 तो ऑलरेडी है, ये वाला 2 हम आगे लेके आए, तो क्या हो गया 1/2, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, समझ रहे हैं, इस 2 को हम कहां लेके आए, आगे लेके आए, और फिर लिमिट h अपॉन 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, लिमिट भी अंदर चलेगी क्योंकि लिमिट क्या होती है, फंक्शन को फॉलो करेगी, जहां जहां फंक्शन जाएगा वहां वहां लिमिट जाएगी। अब हमें पता है फॉर्मूला, हम पढ़ चुके हैं लिमिट में 11th क्लास में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1, कब होता है, जो यहां एंगल है उस वही डिनोमिनेटर में और उसी की लिमिट 0 तब ये 1 होगा। तो यहां भी देखो sin h / 2 वही डिनोमिनेटर में उसी की लिमिट 0 है, तो ये जो पूरा है दिस वन ये क्या हो जाएगा 1, तो LHL क्या हो गया 2 1 / 2 * 1 इसका होल स्क्वायर, तो 1 / 2 * 1 1 / 2 होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 2 से ये 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब क्या निकालना है राइट हैंड लिमिट, लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं कि x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 है जो कि LHL आया है, अगर RHL भी इतना ही आता है तो फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस। तो चलिए बात करते हैं RHL की, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड का मतलब क्या है वो पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड से जहां x की वैल्यू 0 ना होकर 0 से बड़ी है, इसीलिए ये प्लस साइन है ऑफ fx। अब हमें देखना है कि अगर 0 से बड़ी है तो कितनी बड़ी है, x is equal to 0 plus h, 0 ना होकर उससे थोड़ा बड़ा है तो h थोड़ा ही तो है वो, अगेन h इज मच 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 लेसर देन x, और x अल्टीमेटली कहां जा रहा है 0 की तरफ, तो x इज अप्रोचिंग टू 0, देयरफॉर h इज आल्सो अप्रोचिंग टू 0। अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह आ गया 0 plus h, 0 plus h का मतलब क्या है वही है f ऑफ h, समझ रहे हैं आप, 0 plus h मतलब f ऑफ h। अब वापस से ये वैल्यू हम कहां रखेंगे इस फंक्शन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 minus cos h upon h square, ये वही का वही आ गया देखिए जो RHL में आया था, तो अब पूरा वापस वैसे ही सॉल्व करना है, तो जब वैसे ही सॉल्व करना है तो वैल्यू भी तो उतनी आएगी, तो RHL की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2 सेम एज अबव जैसे अभी सॉल्व किया था, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, और x equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और x equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हो गए इक्वल हो गए, जब तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट। तो समझ में आ गया होगा आपको, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, उस डाउट को भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो ये था एक क्वेश्चन इस डिस्कस द कंटिन्यूटी या फिर टेस्ट द कंटिन्यूटी के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर मिसिंग द नंबर पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f ऑफ x, ये फंक्शन दिया है 2 रेस्ट टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 रेस्ट टू दी पावर x माइनस 16 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब मोर देन और ग्रेटर देन, एंड k दी हुई है उसी फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2, मतलब मुझे k की ही वैल्यू निकालनी है, या यूं कहें x equal to 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, मतलब तो वही हुआ इस कंटिन्यूअस एट x equal to 2 इट इज ऑलरेडी गिवन, ये जो फंक्शन है वो x equal to 2 पर कंटिन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, पहले से ही दिया हुआ है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x equal to 2 पर, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x equal to 2, तीनों इक्वल होंगे क्योंकि इट इज गिवन कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हमें पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो एग्जिस्ट तो होता ही है, उसका एग्जिस्टेंस होता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। पहले तो मैंने लिख लिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, और f ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है k, अगर यहां k नहीं दिया होता तो f ऑफ 2 की वैल्यू भी पूछ सकते थे जैसा मैंने पीछे बताया कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन या फिर मिसिंग नंबर। तो चलिए जैसा कि हमने देखा कि ये एग्जिस्ट तो करता ही है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू तो सेम होगी, तो हम सेम है तो हम वही लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और डायरेक्ट एफ एक्स की जगह ये फंक्शन यूज कर लेते हैं जो कि 2 रेस्ट टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन
फोर एस टू दी पावर एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू के। अब अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूं तो डायरेक्ट लिमिट जैसी अप्लाई होगी 4s to the power 2 16 तो नीचे जीरो आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन तो कर नहीं सकते। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं लिमिट को सॉल्व करने के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, सबसे पहले तो अगर पावर ऐड की हुई है तो उसे ब्रेक कर सकते हैं, 2s to the power x into 2s to the power 2 माइनस 16 एज इट इज। 4 को हमने लिखा 2s to the power 2 एंड होल पावर x इज माइनस 60 इज इक्वल टू के। 2s to the power 2 हो गया 4 into 2s to the power x माइनस 16, और नीचे भी इसको क्या किया, पावर के ऊपर पावर है तो पहले 2 की पावर x कर दिया और उसकी होल पावर 2 माइनस 16 को लिखा 4s to the power 2 इज इक्वल टू के। यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 2s to the power x माइनस 4 बचेगा। इधर ये a है और ये b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, ठीक है इज इक्वल टू के। तो ये 2s to the power x माइनस 4, 2s to the power x माइनस 4 कैंसिल हो गया, बस यही काम करना था। अब अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं तो अब जीरो नहीं होगा, तो बचा क्या ये ऊपर 4 और नीचे 2 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू के। अब लिमिट अप्लाई कर दो, जैसी लिमिट अप्लाई करेंगे मतलब x की जगह क्या रख देंगे 2, और जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये सिंबल जो लिमिट का है वो भी रिमूव हो जाता है। तो क्या आया 4 upon 2s to the power 2 plus 4 इज इक्वल टू के 4। 2s to the power 2 क्या होगा 4 plus 4 मतलब 4 upon 8 यानी कि 1 upon 2। तो x की जो वैल्यू, k की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1 upon 2, मतलब अगर k की वैल्यू को 1 upon 2 रखा जाए तो ही ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर क्या होगा कंटिन्यूस होगा। या यूं कहूं कि फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 पर वो कितनी है 1 upon 2 होगी, तभी ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कंटिन्यूटी में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है और इस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चंस कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन करिए, आपको उनके सॉल्यूशन दिए जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अगर 100 and more than लाइक्स मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं जो अगला वीडियो है वो डिफरेंशिएबिलिटी पर जरूर बनाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।